यहाँ अच्छा आ रहा है। पिछले क्लास में हमने आप लोग को यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक के बारे में पढ़ाया था, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक पिछले साल में आए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 245 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। पिछले क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में डिस्कस किए थे। सबसे पहले हम लोग रफ वर्क कर लेंगे इसका एचसीएफ निकालने के लिए। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही अरेंज्ड फॉर्म है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग पढ़ते ही आ रहे थे। 9 3 = 270 टू टाइम्स 180 माइनस करेंगे इसमें से 65 से डिवाइड करेंगे 90 को वन टाइम, फिर 25 से 65 को डिवाइड करेंगे, फिर 15 से 25 को डिवाइड करेंगे, फिर 10 से 15 को डिवाइड करेंगे। फाइनली ये लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है यही एचसीएफ होता है। इसी को अरेंजमेंट करना है। फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी फार्मूला के बेसिस पर अरेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आइए, फर्स्ट स्टेप का डिविडेंड है 245, डिवाइजर 90, कोसेंट 2, 90 इंटू 2 प्लस 65 रिमाइंडर है। अब सेकेंड स्टेप का अरेंजमेंट किया जाए तो यहाँ पे डिविडेंड 90 है, तो 90 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 25। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड 65 है, तो 65 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 प्लस 15। उसके बाद वाले स्टेप में ये 25 डिविडेंड का काम करेगा, तो 15 इंटू 1 प्लस 10। इसी तरह अरेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे 15 इंटू 1 प्लस 5, और ये लास्ट स्टेप 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा तो ये एनसर्किल कर देंगे, बॉक्स बना देंगे या हाईलाइट कर देंगे और नीचे लिख देना है सो एच सी एफ इज इक्वल टू 5। तो यही यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके एच सी एफ निकालते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसी का अरेंजमेंट फॉर्म है। तो पहले रफ में हम लोग इसको कर लेंगे, उसके बाद अरेंज कर लेंगे। ओनली डिवाइड करना चूंकि पॉसिबल नहीं है, बड़े बड़े नंबर रहेंगे वहां पे नहीं पॉसिबल होगा, तो रफ वर्क कर लेंगे। ये पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ट एक पिछले साल क्वेश्चन आया था 2018-19 के सेशन में, बोर्ड के एग्जाम में। आइए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था, इफ वाई इज द एच सी एफ ऑफ 16 एंड 20 एंड वाई इज इक्वल टू 2x - 3, फाइंड एक्स। ये पिछले साल का बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ये सब चेंज कर दिया है, पैटर्न सेम यही था। कह रहा है कि y इज द एच सी एफ ऑफ 16 एंड 20, मतलब y जो है वो 16 और 20 का एच सी एफ है। तो सबसे पहले हम लोग 16 और 20 का एच सी एफ फाइंड करेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड कर ले, बहुत छोटा नंबर है, ओरली भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 4 = 16, 20 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 4, 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 0, तो ये एच सी एफ हो गया। तो एच सी एफ 4 हो गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि y इज द एच सी एफ जो है y, और यहां से 4 है, सो एच सी एफ दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, ये x और y के बीच का रिलेशन दे दिया जाएगा y, तो y को एच सी एफ था जो कि 4 आया, 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, साइन यहां माइनस होगा।
अब ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेना है, माइनस थ्री को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, साइन चेंज हो जाएगा, सेवन इज इक्वल टू टू एक्स, सेवन बाई टू इज इक्वल टू एक्स, या इसको रिवर्स करके लिख दीजिए एक्स इज इक्वल टू सेवन बाई टू। तो इस पैटर्न पे भी एक क्वेश्चन बोर्ड में पिछले साल आया था, सेम क्वेश्चन नहीं था, कुछ इसी टाइप का था। तो ये भी यूक्लिड का ही एप्लीकेशन है, एचसीएफ निकालने में यूक्लिड का यूज करेंगे पूरे चैप्टर में, अगर कहीं भी एचसीएफ का बात होगा वहां हम लोग यूक्लिड का ही यूज करेंगे इस चैप्टर में। एक क्वेश्चन इस तरह कर लेते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू देखिए वही पिछले क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ, इफ एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 20 एंड 14, इसका मतलब हुआ कि 20 और 14 का जो एच सी एफ होगा वही एक्स का वैल्यू होगा, एंड और यहाँ पे कुछ लीनियर रिलेशन दे दिया जाएगा, सपोज एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवन। तो यहाँ पे चूंकि एच सी एफ एक्स दिया है तो यहाँ फाइंड करने के लिए वाई कुछ दिया जाएगा। तो सबसे पहले टारगेट हम लोग का एच सी एफ फाइंड करना रहना चाहिए 20 और 14 का, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके अरेंज कर लेंगे, इसको हम डायरेक्ट अरेंज कर देते हैं। 20 को 14 से डिवाइड करना है, 14 इंटू वन प्लस सिक्स, 14 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 इंटू टू प्लस टू, और 6 को नेक्स्ट टाइम 2 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू थ्री प्लस जीरो। तो यही एच सी एफ हो गया 2, जो कि एच सी एफ एक्स है, पिछले क्वेश्चन में वाई था, यहाँ एक्स है, के भी रह सकता है, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर से उसको डिनोट किया जाता है। तो एच सी एफ 2, और यहाँ पे कह रहा था कि एच सी एफ जो है वो एक्स है, तो यही जो एक्स का वैल्यू है वो टू हुआ। सो एच सी एफ दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू टू। अब जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवन, तो यहाँ एक्स का वैल्यू टू आया है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू टू पुट कर देंगे, टू प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवन। टू को उधर ले जाएगा, इक्वेशन सोल्व करना आप लोग जानते हैं, यहाँ 2y is equal to 5, y is equal to 5 by 2। तो इस कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया है, इसको ध्यान से समझ लेंगे। चलिए अब अगला एक टॉपिक बताते हैं जिससे क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, जो लेटेस्ट हुआ है, हाल फिलहाल फरवरी मार्च के महीने में बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था इस कॉन्सेप्ट पे, तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाएंगे। लिखा हुआ था कि इफ एच सी एफ ऑफ 16 एंड 20 इज इक्वल टू 4, फाइंड एल सी एम ऑफ 16 एंड 20। बोर्ड के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज था, हम यहाँ पे 16 20 वहां पे कुछ और था, लेकिन क्वेश्चन सेम पैटर्न का था, क्वेश्चन आप लोग देख भी सकते हैं। तो इसका बनाने का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को ध्यान रखना, पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। इसको हम लोग पढ़ेंगे एच सी एफ ऑफ 16 एंड 20, नंबर हमारा 16 और 20 है, जिसका एच सी एफ 4 है, ये दिया हुआ है एच सी एफ, अगर हम लोग निकालेंगे भी तो इसका एच सी एफ 4 ही आएगा, तो हम लोग का इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका बनाने का एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एल सी एम इन टू एच सी एफ। अब इसी पे बैठा देंगे, यहां पे लिख देना है आई नो डेट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर यहां पे 16 एंड 20 है, तो यहां लिखेंगे 16 इंटू 20 एल सी एम इंटू एच सी एफ। तो एल सी एम तो हम लोग को फाइंड करना है, एल सी एम को एज इट इज छोड़ देंगे, एच सी एफ तो एच सी एफ यहां दिया हुआ है 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, 4 यहाँ नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू एल सी एम डिवाइड 4 से, इसको काटिए या इसको काटिए किसी एक को काट कर दीजिए, तो 80 इज इक्वल टू एल सी एम इज इक्वल टू 80। चेक करने के बिना जो रफ में चेक भी कर सकते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये एक फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे बेस्ट क्वेश्चन इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही किसी सेट का था, हम देखे थे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज था लेकिन लिखा हुआ ऐसे ही था। यही क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आया जा सकता है कि इफ स्टेटमेंट लिखा रहेगा, इफ
HCF of 16 and 20 is 4. Find their LCM. सेम क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसे भी रह सकता है और नहीं तो ऐसे बोर्ड का एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ था. तो ये ध्यान रखना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ. हाँ एक चीज और है, ये जो फॉर्मूला है ये केवल दो नंबर के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ओनली टू नंबर्स. दो ही नंबर रहेगा, आप लोग के सिलेबस में दो ही नंबर है, दो से ज्यादा भी रहेगा नहीं. तो ध्यान रखने का नहीं जरूरत है, लेकिन ये फॉर्मूला केवल दो नंबर के लिए ही वैलिड है. एक क्वेश्चन इसके और करते हैं, उसके बाद क्लास को हम लोग वाइंड अप करेंगे और कुछ होमवर्क भी दे दिया जाएगा, आपसे होमवर्क भी दिया जाएगा आज के बाद. आप लोग सभी लोग ईमानदारी से बनाएंगे. क्वेश्चन है कि इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल टू 48, फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16. 12 और 16 का एलसीएम 48 दिया हुआ है, निकाल के चेक भी करेंगे तो 48 ही आएगा, वो सब चेक करने की जरूरत नहीं है. सीधे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, लिख देना है आई नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. इसको इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. एलसीएम इस क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ 48, एचसीएफ तो एचसीएफ को एचसीएफ छोड़ दीजिए, या एचसीएफ को एक्स लेट भी कर सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर हमारा यही 12 और 16 है, 12 इंटू 16. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एचसीएफ इज इक्वल टू 12 इंटू 16 बाई 48. अब ये कैलकुलेशन है, आप लोग अपना ढंग से कर लीजिए. 16 थ्री जा 48, 3 फोर जा 12, यही एचसीएफ आएगा. इस पे बेस्ट क्वेश्चन इस साल बोर्ड के एग्जाम में आया था, इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखेंगे. अब कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देते हैं होमवर्क के लिए, आप लोग सब लोग अपना घर पे बनाएंगे. बंद करिए.